स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन है। अब इफ क्यू जीरो वन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी 5-3 एंड आर x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, पी और आर, और ये दोनों ही पॉइंट्स एक थर्ड पॉइंट हमारे क्यू से इक्विडिस्टेंस है। दैट मीन्स अगर कंडीशन देखो तो कुछ ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर एक पॉइंट है तुम्हारा क्यू, यहाँ एक पॉइंट तुम्हारा पी और यहाँ एक पॉइंट तुम्हारा आर। यानी जैसा कि हमने आइसोसेलस ट्रायंगल में लिया था और क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू से पी का डिस्टेंस उतना ही है जितना क्यू से आर का डिस्टेंस है। यानी पी क्यू और क्यू आर ये दोनों इक्वल तुमको दिए गए हैं और तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू तुमको दी गई है 0-1, पी की वैल्यू दी गई है 5-3 और R की वैल्यू है x6। ये x जो मुझे फाइंड करना है, ये x, इसलिए यहाँ पर x दिया हुआ है। तो अब मुझे क्या कह रहा है, लिखेंगे सिंस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा सॉल्यूशन, लिखेंगे सिंस q इज इक्विडिस्टेंस, q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, Therefore, QP is equal to QR. चूंकि Q से इक्विडिस्टेंस है तो QP is equal to क्या होगा, QR होगा। तो यहाँ पर QP is equal to QR ले रहे हैं और दोनों ही तरफ अपना फॉर्मूला लगाने वाले हैं। सेमी फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। इधर भी हो जाएगा तुमको x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर गौर से देखो इस बातों को। यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को रख देंगे, x2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ जो x2 और y2 होगा वो मेरा p का होगा और x1 और y1 q का होगा। तो p माओ x2, देखो क्या है, तो p में तुम x2 को तुम देख सकते हो तुम्हारा क्या है, 5 है, यानी 5 लेना है -x1 जो कि q का होगा। तो q का x1 क्या है, 0 है, 0 ले लो, +y1, ये y2 कहाँ से आएगा, p का y होगा, तो p का y कितना है, -3 ले लो, -y1 जो कि q का होगा, तो y1 की जगह पर 1 है तो 1 ले लो, स्क्वायर कर दो। और उधर देख लो √x2 जो कि r का होगा, तो r में आते हैं, x2 की जगह पर x दिया गया है माइनस, और x1 जो कि q का होगा तो वो 0 है, स्क्वायर दे दो, +y2 जो r का y है, देखो 6 दिया हुआ है, -y1 जो कि q का होगा जो कि 1 दिया गया, यहाँ 1 ले लो, स्क्वायर कर दो। ओके, अब तुम देख सकते हो कि दोनों ही तरफ अंडर रूट हैं। इस केस में क्या होगा, दोनों ही अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और मेरे सामने बचेगा 5-0 यानी कि 5 का स्क्वायर +-3-1 जो मिलकर -4 होगा उसका स्क्वायर बचेगा, और इधर x-0 x हो जाएगा x² +6-1 यानी 5 होगा, तो स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, और दोनों का रूट कैंसिल हो चुका है। अब देखो दोनों ही तरफ 5 का स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, सेम साइन में है, इसे हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। और -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 ही होगा ना, उधर होगा x². अगर तुम स्क्वायर को उधर ले आओ तो क्या होगा, √16 हो जाएगा और ये x की वैल्यू आ जाएगी √16। और तुम जानते हो जो तुम्हारा अंडर रूट होता है ना, उसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है और वो होगी 4। तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे +4 और -4 दोनों ही x की वैल्यू आ रही है। इस हिसाब से चूँकि मुझे QR एंड PR दोनों की वैल्यू लाना है और R में मुझे क्या है, वो x दिया गया है, ठीक है। तो अब एट फर्स्ट लेंगे कि व्हेन x की वैल्यू हम +4 ले लेते हैं, x की वैल्यू पहले +4 लेकर चलेंगे हम लोग, तो उस कंडीशन में मेरा QR यानी q की वैल्यू क्या हो जाएगी, गौर से देखो, q की वैल्यू 0-1 है और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू x 6 है ना, तो x की जगह +4 लेना है और 6। अब इनके बीच का डिस्टेंस तुम QR फाइंड कर लो, अंडर रूट क्या हो जाएगा,
एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ से x2 तुम्हारा क्या होगा, देखो r का x लेना जो कि 4 है, माइनस x1 तुम्हारा 0 होगा, 0 का स्क्वायर प्लस y2 तुम्हारा क्या देखो 6 है, माइनस y1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, और 4 माइनस 0 तो 4 का स्क्वायर, और 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फाइनली रूट अंडर 41 आएगा। इस तरह से तुम क्यू आर फाइंड करोगे, ठीक है, और एक बार तुम अपना पी आर को यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो। फार्मूला ले लो वही एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ओके, तो एक्स टू तुम्हारा क्या है यहाँ पर आर का एक्स लेना है तुमको जो कि 4 है, माइनस एक्स वन जो कि पी का लेना है तुमको वो है 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई टू जो कि आर का वाई है तुम्हारा 6 माइनस वाई वन। y1 क्या है तुम्हारा, गौर से देखो y1 के जगह पर कौन लोगे तुम, तो ये p का y, देखो p का y कितना माइनस 3 जो कि माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 3 बन जाएगा। ओके, 4 माइनस 5 तो 1 ही होगा यानी माइनस 1 का स्क्वायर, और 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, और फाइनली रूट अंडर 82 होगा। कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा तुमको, ये रूट अंडर 82 रहेगा, यानी जब आर एक्स की वैल्यू प्लस 4 लोगे तो क्यू आर और पी आर की वैल्यू ये आएगी ऑफ व्हेन एक्स इजकल टू माइनस 4 लेंगे अगर हम लोग, तो इसी तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस जगह पर तुम्हारा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 6 की जगह माइनस 4 6 होगा, बाकी क्यू तुम्हारा जो है वह 0 1 ही है, और P तुम्हारा जो है वो 5 माइनस 3 रहेगा, और फाइनली QR की वैल्यू तुमको फाइंड कर लेना है खुद से, और PR की वैल्यू भी यहाँ पर तुमको फाइंड कर लेना है। ओके, तो इसी तरह से तुम फाइंड कर लोगे वैल्यू को अगर X की वैल्यू माइनस 4 रहेगी और तुम अपने आंसर तक पहुँच जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यह सवाल तुमको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह के बहुत प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चनों को सावधानी से एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर बनाना है, और उम्मीद करता हूँ इससे तुम लोगों को जरूर बेनिफिट हुआ होगा। दैट्स ऑल।